हम तो ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री हैं और हमारा जो ग्रामीण विकास का जो काम है, जो ईट निर्माता संघ के सभी पदाधिकारी और ईट निर्माता के प्रोपराइटर हैं, जितने भी चिमनी चलाने वाले प्रोपराइटर हैं, सब लोग को मालूम है कि सबसे ज्यादा अगर खपत देश भर में अगर लाल ईट का उपयोग हम लोग करते हैं देश में, तो सबसे ज्यादा ग्रामीण विकास विभाग के जरिए का काम होता है। अभी मुरारी जी कह रहे थे कि दूसरा दूसरा तरह का ईट भी लग रहा है, लेकिन हम सबको मालूम है कि जो आपके लाल ईट में तासीर है, ताकत है, वो दूसरे किसी ईट में नहीं ताकत। प्यारी माता संघ ने आप सबों के सहयोग को दिलाया है, इसलिए आज बिहार ईट माता संघ खुल करके शुभकामना संदेश में कहना चाहता है कि आज सभी सहयोग बिहार ईट माता संघ आपके साथ है। यदि आप अवैध हो तो बिहार ईट माता संघ आपके साथ नहीं है। मैं कहूंगा कि अभी हमारे सीनियर सबसे ज्यादा वक्ता में माननीय वंदना मैडम है, मैं इन्हें आभार व्यक्त करूं कि आप इस भाई पर विश्वास करके आई, इसके लिए बिहार ईट माता संघ तहे दिल से आपका स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। एक बार मैडम के स्वागत के लिए आप लोग जोरदार ताली से स्वागत करें। मैं शंभूषण पांडे, संरक्षक बिहार ईंट निर्माता संघ। बिहार ईंट निर्माता संघ का 50वां वर्षगांठ है, उस उपलक्ष्य में आज यह समारोह मनाया जा रहा है, जिसमें हमारे ऑल इंडिया ईंट निर्माता महासंघ के सारे पदाधिकारी और विभिन्न प्रदेशों से लगभग 22-23 प्रदेशों के पदाधिकारीगण और हमारे बिहार के सभी जिलों से ईंट निर्माता बंधु उपस्थित हुए हैं, इस कार्यक्रम को उद्घाटित किए हैं हमारे बिहार सरकार के माननीय वित्त मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी एवं माननीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री श्रवण कुमार जी और श्री दीपक कुमार सिंह जी, जो सहकारिता विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं, श्री हरजोत कौर मैडम, जो कला संस्कृति विभाग की अपर मुख्य सचिव हैं, और डॉक्टर प्रतिमा मैडम। क्या निर्णय लिया गया यहाँ पे जो जयंती मनाया गया है, किस चीज़ का निर्णय? यह जयंती हम लोग 50वें वर्षगांठ जो हमारा पूरा हुआ है उसके उपलक्ष्य में मना रहे हैं, और जो हमारी कुछ समस्याएं हैं ईंट निर्माताओं की, उस समस्याओं के सरकार के समक्ष और आप लोगों के माध्यम से सरकार तक हम लोग पहुँचाने का काम करें।